आगे है सेलेक्ट एंड मैनिपुलेट करने का ऑप्शन। यहाँ पे आप देखेंगे सेलेक्ट एंड मैनिपुलेट का ऑप्शन मिलेगा। इसको जानने के लिए हम एक प्लेन बना लेते हैं, यहाँ पर जाएंगे, तो हमने एक प्लेन बना लिया है। उसके बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे, आप ये देखेंगे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं हुआ। वो ये तभी काम करता है, ये सेलेक्ट एंड मैनिपुलेट का ऑप्शन दोस्तों तभी काम करता है जब हम सब ऑब्जेक्ट लेवल पे होते हैं, सब ऑब्जेक्ट लेवल पे होते हैं। अगर हम सिंपल प्लेन को सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। अगर हम ऑब्जेक्ट लेवल पे होंगे तब भी ये काम नहीं करेगा। जैसे कि इसे सेलेक्ट करेंगे और एडिट पॉली लेंगे, आप देखेंगे जब भी हम एडिट पॉली में रहते हैं, ये जो है पॉलीगॉन को एडिट करने का एक मॉडिफायर है, जब भी हम एडिट पॉली पे रहते हैं तो ये काम नहीं करेगा। जब और ये जो आप देखेंगे यहाँ पे वर्टेक्स है, ये आप देखेंगे ये जो है ये वर्टेक्स है, ये बिंदु, ये पॉइंट देख रहे हैं आप, ये वर्टेक्स है, ये एज है, ये एज है और ये बॉर्डर है। इस तरह से आप बॉर्डर को सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों जब आप सब ऑब्जेक्ट लेवल पे होते हो, ये जो है सब ऑब्जेक्ट लेवल हैं, ये वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगॉन, ये सब क्या है, सब ऑब्जेक्ट लेवल हैं। और ये जो जब आप एडिट पॉली को सेलेक्ट करोगे तो अभी हम ऑब्जेक्ट लेवल पे हैं, ये ऑब्जेक्ट लेवल है। और इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, वर्टेक्स, एज, तो ये है सब ऑब्जेक्ट लेवल, ये भी सब ऑब्जेक्ट लेवल है। तो जब हम यहाँ पे होते हैं, एज में होते हैं, एज में जा कर के हम किसी भी एज को यहाँ पे, यहाँ से हम किसी भी, तो हम एज में होते हैं, एज मोड में, यहाँ से आप किसी भी एज को हम सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद जब हम यहाँ पर सेलेक्ट एंड मैनिपुलेट पे क्लिक करेंगे, जैसे कि हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आप ये एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले है यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये आ चुका है। अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करेंगे, अगर हम यहाँ से एज को हम हटा देते हैं, हम ऑब्जेक्ट लेवल पे आ जाते हैं और यहाँ से हम क्लिक करेंगे इसे, तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये जो है सब ऑब्जेक्ट लेवल पे ही काम करेगा। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे, एज पे जाएंगे, किसी भी एज को सेलेक्ट करेंगे, किसी भी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से हम सेलेक्ट एंड मैनिपुलेट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो चलिए इन ऑप्शन को जान लेते हैं। सबसे पहले जो है सेट फ्लो का ऑप्शन आता है, सेट फ्लो। तो दोस्तों ये सेट फ्लो क्या करता है कि एज के फ्लो को मेंटेन करता है। यही सेट फ्लो का ऑप्शन आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। यहाँ आप जाएंगे मॉडलिंग, उसके बाद लूप, लूप में आप देखेंगे यहाँ पे आप सेट फ्लो मिलेगा आपको, यहाँ पे सेट फ्लो। तो चलिए इसको जान लेते हैं। हम एज के फ्लो को थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं, जैसे कि आप देखेंगे ये सीधा जा रहा है लेकिन ये ऊपर आ गया। तो यहाँ से हम इसे सेट फ्लो को लूप में जाएंगे, लूप से यहाँ पे सेट फ्लो पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा जैसे पहले था। ये सीधा नहीं करता, ये मेंटेन करता है एज के फ्लो को। और यहाँ आप सेलेक्ट एंड मैनिपुलेट में आप देखेंगे यहाँ भी सेट फ्लो है, तो ये भी वही काम करता है। इसके नीचे जो है लूप शिफ्ट है, लूप शिफ्ट क्या करता है, एक एक एज के लाइन को जो है एक एक शिफ्ट करते जाता है, एक एक स्टेप। आप देखेंगे ये कुछ इस तरह से ये शिफ्ट कर रहा है एज को, और ये राइट साइड भी कर सकता है, ये कुछ इस तरह से। और यही काम अगर आप कंट्रोल दबा कर करेंगे तो सेलेक्ट होते जाएगा, ये कुछ इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। आप शिफ्ट कर सकते हो लूप को। उसके नीचे आप देखेंगे क्रीज है, वेट है और डेप्थ है। दोस्तों ये क्रीज, वेट और डेप्थ, ये तीनों ऑप्शन
आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। एज प्रॉपर्टी आप देखेंगे, एज प्रॉपर्टी में वेट, क्रीज और डेप्थ का ऑप्शन है। तो दोस्तों हम क्रीज को जान लेते हैं, इसे हम ऑफ कर देते हैं। यही है यहाँ पे आप देखेंगे, ये क्रीज और ये वेट और ये डेप्थ, यहाँ भी वही है। ये शिफ्ट का था लूप शिफ्ट, और ये लूप शिफ्ट है, तो इसे हम ऑफ कर देते हैं। क्रीज को हम जान लेते हैं, यहां से हमने एक बॉक्स बनाया है, और फिर इसमें हम एडिट पॉली अप्लाई कर देते हैं। और यहां से हम एज को सेलेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद ये सब डिवाइड करता है। उसके बाद हम यहाँ पे ओपन सब डिव मॉडिफायर और यहाँ पे एडिट पॉली मॉडिफायर। तो हमने ये मॉडिफायर को क्यों लिया हुआ है, तो इनको हम तभी जानेंगे जब हम एडिट जब पॉलीगॉन को हम एडिट करना सीखेंगे। अभी हम सिर्फ क्रीज को जान रहे हैं। तो ये जो है सब डिवीजन सब ओपन सब डिव जो है सब डिवाइड करता है। और फिर दोबारा यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ से आप क्रीज जो है, यहाँ क्रीज दिख रहा है, इसे हम बढ़ाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से अपना शेप जो है चेंज करेगा। क्रीज का मतलब होता है दोस्तों शार्प करना। जिस भी एज को हम क्रीज लेवल बढ़ा देते हैं तो वह जो है शार्प हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, तो आप देखेंगे ये जो है शार्प है और नीचे बिल्कुल सॉफ्ट है। इसे हम कम करेंगे तो ऊपर वाला भी शॉर्ट होते जाएगा, बिल्कुल गोल हो जाता है। कुछ इस तरह से ये क्रीज है। तो ये था दोस्तों क्रीज, और वेट और डेप्थ कैसे काम करते हैं इन्हें हम इसे आप प्रैक्टिस करना। वेट क्या होता है और डेप्थ क्या होता है, इसके आगे जो है सेलेक्ट एंड मैनिपुलेट के बाद आगे जो ऑप्शन आता है कीबोर्ड शॉर्टकट ओवर राइट का ऑप्शन आता है। तो ये क्या काम करता है कि ये ऑन रहेगा, आप देखेंगे इसे ये ऑफ हो चुका है, और इसे हम ऑन कर लेते हैं। तो जब ये ऑन रहता है तो हम जो कस्टम शॉर्टकट की बनाए होते हैं वो काम करता है, वह काम करता है जब ये ऑन रहता है। अगर अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो जो डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट की है वो काम करता है। दोस्तों कस्टम शॉर्टकट की वे होते हैं जिन्हें हम अपने से बनाते हैं, अपने खुद से जो असाइन किए हुए शॉर्टकट की होते हैं उन्हें कस्टम शॉर्टकट की कहते हैं, और जो पहले से बना होता है उसे डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट की। तो जब ये ऑफ रहता है तो डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट की काम करता है, और जब ये ऑन रहता है तो जो हमारे कस्टम शॉर्टकट की हैं वो काम करते हैं।